भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समस्त ग्राम वासियों को अंबेडकर जयंती, रमजान, ईद की दिली मुबारकबाद। ग्राम सभा अशाउर से बीडीसी प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार चुनाव चिन्ह आदमी और अलाव पर अपनी कीमती से कीमती मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए संयोजक समस्त ग्राम वासी। अज्ञात बदमाशों ने दवा व्यवसायी को मारी गोली। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हत्या और छिनैती से पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशाना खड़ा हो रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन होने के बाद पूरी पुलिस महकमे रोड पर खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ लबे रोड दो अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों के द्वारा दो व्यवसायी को गोली मारना पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशाना खड़ा कर रहा है। ज्ञात हो कि भेलूपुर थाना क्षेत्र में महमूरगंज के एक दवा व्यापारी पंकज राय को दो अज्ञात लड़कों स्कूटी से आया दवा मांगी। दुकानदार ने कहा, मैं दवा नहीं दूंगा, मैं दुकान बंद करने जा रहा हूं, कल आना। इस पर वह नाराज हो गया और दुकान के बाहर बुलाकर दवा दिखाई कि यह दवा चाहिए और गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी। हॉस्पिटल में तत्काल प्रशासन द्वारा उनको एडमिट कराया गया। मौके पर आला अधिकारी मौजूद और डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी हालत जो अभी स्थिर बनी हुई है, डॉक्टरों के हिसाब से उनको अग्रिम उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर पहुंचे डीसीपी काशी क्षेत्र अमित वर्मा ने मीडिया को बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है, जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। न्यूज़ रानी भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। थाना बेलूपुर के महमूरगंज क्षेत्र में आज एक दवा व्यापारी है पंकज राय जी, और इनके यहाँ कुछ दो लड़के स्कूटी से आए, जिन्होंने कुछ बच्चों से संबंधित दवा इत्यादि मांगी। उन्होंने कहा कि मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, अभी दवा नहीं मिल पाएगी, कल आना। इस पर वो नाराज़ हो गए, फिर दोबारा आए और उनको दुकान से बाहर बुला के दवा दिखाया कि ये दवा चाहिए, और इसी बहाने गोली मार दी। उनकी गोली उनके पेट में लगी हुई है और हॉस्पिटल में तत्काल उनको एडमिट कराया गया। उन्होंने जैसे पुलिस फोन किया, पुलिस मौके पे है, सारे उच्च अधिकारी भी अभी मौके पे पहुँचे हैं। मैं डीसीपी काशी बोल रहा हूँ, और फिलहाल डॉक्टरों के हिसाब से उनकी हालत स्थिर है, अभी उनको अग्रिम मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है।